तो दोस्तों कैसे हैं, आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे दोस्त, आज है मंडे और मंडे वाले दिन एस सर ने बोला था कि हम जो ओटीपी जो ईमेल ख़राब हो चुकी हैं उनकी आईडी को बिना ओटीपी एक्सेस कोड के लॉगिन करेंगे। यानी कि जो भी ईमेल आईडी, जैसे कि अभी बोल सकते हैं कि जो गो फाउंडर लॉगिन कर पा रहे थे, वो फाउंडर जो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बिना ओटीपी के वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको काम क्या करना है, जिन लोगों का एक्सेस हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, जो लोग जिनके पासवर्ड या फिर जिनके पास ओटीपी नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है, जैसे ही लॉगिन करना है वैसे ही सपोर्ट में जा कर के टिकट को रेस करना है। टिकट को रेस करने के बाद में आपको वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है कि मेरी ईमेल आईडी ख़राब हो गई है या फिर इसमें इस ईमेल आईडी मुझे मालूम है, मेरे में लॉगिन नहीं है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आपको वहाँ पर मेल में लिखना है। वहाँ पर लिख करके उस टिकट को आपको कंफर्म करके आपको कंपनी को सपोर्ट में भेज देना है। भेजने के बाद में वो ईमेल आईडी जो आप वहाँ पर आप चेंज करवाएंगे, सपोज़ दैट वो ईमेल आईडी सबसे बड़ी चीज़ है, उसका सबसे पहले काम क्या करना है कि उस ईमेल आईडी का टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है मेरे दोस्त, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। टू स्टेप वेरिफिकेशन आपकी सिक्योरिटी को लेकर होता है, ईमेल आईडी कोई हैक ना कर सके, इसलिए होता है। और दूसरी चीज़ यह है कि रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर ज़रूर डालना है। बाय द वे, आपका फ़ोन गुम हो जाता है, भूल जाते हैं पासवर्ड, तो आप क्या कर सकते हैं, उस ईमेल आईडी को आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरी जो रिकवरी ईमेल है वो मैंने दूसरा डाल रखा है, गो फाउंडर या फिर जितनी भी मेरी ईमेल आईडी है तो एक दूसरे का अटैच है। अगर मैं उसका पासवर्ड भूल भी जाता हूँ तो उस ईमेल आईडी से मैं रिकवर कर सकता हूँ। इससे मेरी कभी भी ईमेल आईडी कोई, अगर मेरा मोबाइल भी चुर जाएगा या फिर खो जाएगा या टूट जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, मुझे मालूम होगा, या फिर पासवर्ड भी भूल गया, तो अगर मुझे वो ईमेल याद है तो ईमेल को मैं डाल करके कहीं ना कहीं उसको कंफर्म करके मैं वहाँ पर जा करके एक्सेस कर सकता हूँ, उसको लॉगिन कर सकता हूँ ईमेल आईडी को, और फिर से दोबारा से चला सकता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जो लोग अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आई थिंक हो सकता है कि कुछ देर के बाद वहाँ पर आईडी ओपन होना शुरू हो जाए, सो आप देखना कि वो आईडी आई थिंक 1 बजे से वो हो जाएगी और उसको आप डालना, लॉगिन करना। और लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम यही करना है कि आप वहाँ पर टिकट रेस करके खुद ही टिकट करें, आपके लिए बेटर ऑप्शन है, और खुद ही ईमेल चेंज करवाएं। बहुत ही ज़रूरी हो कि यस डेफिनेटली कोई मेरे पास चारा नहीं है तभी ईमेल चेंज करवाएं, वरना नहीं करवाएं। क्योंकि ज़्यादातर क्या है, लोग होता है कि बहुत सारे लोगों के केसेस ये आ रहे हैं कि जिनकी ईमेल सही भी हैं वो भी चेंज करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप जो आप रियल है वही आप कंपनी से चेंज करवाएं, बाकी अदरवाइज मत करवाएं। सो थैंक यू सो मच, मेरा बताने का रीज़न यही था कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईडी को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस कोड नहीं आ रहा है। सो अगर ये आप मौका चूक गए तो यकीनन आप ऑन पीसी के फाउंडर मेंबरशिप से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ओनली ऑन 4 डेज़ के लिए ये ओपन है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय ऑन पीसी।